हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज हम इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे अ फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कैपेसिटर। उनके कॉम्बिनेशंस भी देखेंगे, पैरेलल एंड सीरीज। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट्स प्लेट एरिया ए एंड सेपरेशन डी इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के वन एंड के टू एज शोन इन द फिगर। फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। हमारे पास यहाँ पर एक कैपेसिटर है जिसके बीच में हमने दो डाइलेक्ट्रिक्स फिल कर रखे हैं। आई हैव शोन देम विथ टू डिफरेंट कलर्स। एक का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है के वन और एक का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है के टू। ऑल्सो इन दोनों की थिकनेस है डी बाई टू, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। यू हैव टू फाइंड द नेट कैपेसिटेंस। तो देखो, इसको हम अज्यूम कर सकते हैं कि दो कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं। एक के अंदर है डाइलेक्ट्रिक विद डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के वन और दूसरे के अंदर है डाइलेक्ट्रिक विद डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के टू। लाइक दिस, मैंने इसको दो कैपेसिटर्स में ब्रेक कर लिया है जिसमें दोनों की जो थिकनेस है वो है डी बाई टू। प्लेट एरिया है ए और इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स फील्ड हैं। नाउ मुझे पता है जब मैं इन दो कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करती हूँ, देन द नेट कैपेसिटेंस इज गिवन बाय वन अपॉन सी एस इज इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू, वेयर सी एस इज द इक्वलेंट कैपेसिटेंस, सी वन इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस फर्स्ट कैपेसिटर एंड सी टू इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस सेकेंड कैपेसिटर। अब मैं सी वन और सी टू की वैल्यूज बता सकती हूँ, तो उससे मैं सी एस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलन अपॉन डी व्हेन देयर इज मीडियम। सो यहाँ पर थिकनेस है डी बाई टू, सो मैं डी की जगह क्या लिखूंगी, डी बाई टू। नाउ व्हाट इज एप्सिलन? इट इज डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट टाइम्स इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज के वन डिवाइडेड बाय डी बाई टू। सो आई गेट टू ए के वन एप्सिलन नॉट अपॉन डी। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर। इसी तरीके से मैंने सेकेंड कैपेसिटर की भी कैपेसिटेंस लिख ली है। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पर के वन की जगह क्या आ जाएगा, के टू। सो नाउ विल पुट दीज रिलेशंस। लेट अस सपोज ये रिलेशन वन है, ये रिलेशन टू है और ये रिलेशन थ्री है। मैं टू और थ्री की वैल्यू वन में डाल दूंगी। आई विल गेट वन अपॉन टू ए के वन एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी प्लस वन अपॉन टू ए के टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। नाउ ऑन सॉल्विंग दिस आई गेट दिस थिंग, डी अपॉन टू ए के वन एप्सिलॉन नॉट प्लस डी अपॉन टू ए के टू एप्सिलॉन नॉट। सो आई कैन टेक डी अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सो दिस इज इक्वल टू डी अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट एंड इन द ब्रैकेट आई गेट वन अपॉन के वन प्लस वन अपॉन के टू। सो नाउ दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ क्या ये इक्वल इन कैपेसिटेंस है? नो, इट्स नॉट इक्वल इन कैपेसिटेंस, इज द रेसिप्रोकल ऑफ इक्वल इन कैपेसिटेंस। यहाँ पर हमने वन अपॉन सी एस लिया था, ना कि सी एस लिया था। सो द वैल्यू ऑफ इक्वल इन कैपेसिटेंस विल बी गिवन बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के वन के टू डिवाइडेड बाई के वन प्लस के टू। दिस इज द आंसर। दिस इज वॉट वी हैड टू फाइंड। वी हैड टू फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर टू इज ऑल्सो ऑफ सिमिलर काइंड। इट सेज टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के वन एंड के टू आर फिल्ड इन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ईच ऑफ प्लेट एरिया ए हैज शोन। फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। सो इस डायग्राम में भी दो डाइलेक्ट्रिक्स मैंने डाले हैं बट इन अ डिफरेंट वे। इस कैपेसिटर को मैं अज्यूम कर सकती हूं एज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स। देखो यहां पर भी दोनों एंड्स जो हैं वो सेम टर्मिनल से कनेक्टेड हैं, मतलब दोनों कैपेसिटर का एक एक एंड सेम टर्मिनल से कनेक्टेड है। इसी तरीके से द अदर एंड्स ऑफ द बोथ द कैपेसिटर्स आर ऑल्सो कनेक्टेड टू द सेम टर्मिनल। सो सच अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन।
नाउ यहाँ पर दोनों कैपेसिटर्स प्लेट दोनों कैपेसिटर्स के प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो डी ही रहेगा, बट अगर लेंथ इनकी हाफ हाफ हो गई है तो डेफिनेटली इनका एरिया भी हाफ हाफ हो गया होगा, तो द एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ बोथ द कैपेसिटर विल बी ए बाई टू. नाउ नाउ व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो उसके लिए हम नेट कैपेसिटेंस किस फॉर्मूले से निकालते हैं. सी पी इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू वेयर सी पी इज द इक्वलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी वन. सी वन का फॉर्मूला कैपेसिटेंस इज ए एप्सिलॉन अपॉन डी, सो आई विल राइट ए के वन एप्सिलॉन नॉट. नाउ ए नहीं यहाँ पर आएगा, यहाँ पर एरिया ऑफ द प्लेट इज ए बाई टू, सो ए ए बाई टू के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, सो आई विल गेट ए के वन एप्सिलॉन नॉट अपॉन टू डी. सिमिलरली दिस इज सी वन, सिमिलरली सी टू. सी टू इज इक्वल टू ए के टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन टू डी. दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर. नाउ ये फर्स्ट और सेकेंड अगर मैं डालूँ, लेट अस सपोज ये इक्वेशन को मैं नाम देती हूँ ए, फर्स्ट और सेकेंड को मैं ए में डालूंगी, आई विल गेट सी पी इज इक्वल टू ए के वन एप्सिलॉन नॉट अपॉन टू डी प्लस ए के टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन टू डी. आई कैन टेक ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टू डी कॉमन, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टू डी इंटू द ब्रैकेट में के वन प्लस के टू. सो दिस विल बी दी equivalent capacitance of this capacitor. Let's come to the third question. How will the energy stored and the electric field inside the air capacitor be affected when it is completely filled with a dielectric material of dielectric constant K? हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, उसके अंदर अगर मैं डायलैक्ट्रिक इंसर्ट कर देती हूँ तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे इफेक्ट होगी और उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कैसे अफेक्ट होगी. नाउ ध्यान रखना, जब मैंने इसमें डायलैक्ट्रिक डाला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं थी. व्हाट विल हैपन व्हेन देयर इज बैटरी कनेक्टेड और हम उसमें डायलैक्ट्रिक डालते हैं, और तब क्या होता है जब बैटरी कनेक्टेड नहीं होती जब हम डायलैक्ट्रिक डालते हैं, उन वो दोनों केसेस पहले डिस्कस करते हैं. फर्स्ट केस When no battery is connected, जब हमने कोई बैटरी कनेक्ट नहीं कर रखी और हमने इसके अंदर डायलैक्ट्रिक डाला जिसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है के, उससे क्या होगा, इसके अक्रॉस प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, लेकिन जो प्लेट्स पर जो चार्ज है क्यू वो चेंज नहीं होगा, बिकॉज देर इज नो सोर्स फ्रॉम विच इट कैन एक्सट्रैक्ट और इट कैन सेंड चार्ज टू. हमारे पास कोई सोर्स ही नहीं है जिससे प्लेट पर और चार्ज बढ़ सके या कम हो सके. That's why जब हम बैटरी को डिसकनेक्ट करके उसके अंदर डायलैक्ट्रिक डालते हैं, then the quantity which remains same is the charge. Charge remains same. तो हम एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें चार्ज आ रहा हो, दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी. This formula is going to help us in calculating the energy change. Second case में जब मैंने battery connect कर रखी है तो उस case में अगर मैं इसमें एक dielectric introduce करती हूँ तो after the introduction of dielectric potential same रहना चाहिए क्योंकि मैंने same battery अभी भी apply कर रखी है. इसका मतलब इन दोनों terminals के across potential change नहीं होगा. तो क्या चेंज हो सकता है उसमें, चार्ज चेंज होगा. द बैटरी इज गोइंग टू एक्सट्रैक्ट मोर चार्ज फ्रॉम द कैपेसिटर इज गोइंग टू एक्सट्रैक्ट मोर चार्ज फ्रॉम द बैटरी. इस केस में पोटेंशियल सेम रहता है तो हम दोनों केसेस के लिए जब एनर्जी डेंसिटी का एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे तो दैट विल इन दैट शुड इनकॉर्पोरेट वी. सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर. तो यहाँ पर एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए मैं अपना कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, मैंने बैटरी कनेक्ट नहीं कर रखी है, आई यूज द फॉर्मूला क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी. अगर मुझे वैक्यूम के अंदर निकालनी है, लेट सपोज आई डिनोटेड विद यू नॉट, तो यू नॉट
एनर्जी डेंसिटी एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज क्यू स्क्वायर अपॉन 2c. नाउ व्हेन आई इंसर्ट द डाइलेक्ट्रिक द न्यू एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विल बी गिवन बाय क्यू स्क्वायर. चार्ज तो सेम रहेगा डिवाइडेड बाय 2c डैश. अब कैपेसिटेंस चेंज हो गई है दिस सी डैश दैट इज व्हेन द मीडियम इज इंसर्टेड. तो उस केस में सी डैश इज गिवन बाय के टाइम्स सी एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन के क्यू स्क्वायर अपॉन दिस इज 1 अपॉन के क्यू स्क्वायर अपॉन 2c. अब क्यू स्क्वायर अपॉन 2c क्या है यू नॉट. तो आफ्टर इंसर्टिंग द कैपेसिटर आफ्टर इंसर्टिंग द डायलेक्ट्रिक हमारी जो एनर्जी होगी स्टोर दैट विल बी गिवन बाय यू नॉट डिवाइडेड बाय के. दिस इज द न्यू एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. अब सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें दिस वॉज एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो फर्स्ट केस में ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट रिप्रेजेंट्स व्हेन देयर इज वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड व्हेन देयर इज मीडियम बिटवीन द प्लेट्स लेट्स रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय ई. ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन. नाउ दिस एप्सिलॉन इज गिवन बाय के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट एंड व्हाट इज द सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. Sigma upon epsilon naught is E naught. That is electric field when there is vacuum between the plates. So I'll get E is equal to E naught by K. So electric field bhi kaise effect hogi? Electric field will become K times energy stored. Electric field will become 1 by K times. Similarly, the energy stored in the capacitor will also become 1 by K times. We will discuss the remaining questions of this worksheet in the next video. That's all for now.